अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में सऊदी अरब और कुवैत से जुड़ी आज की कुछ ज़रूरी अपडेट शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए, एक नया लोगों को ठगने का तरीका। एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया आज कि मेरे नाम पे 2 लाख रियाल का लॉटरी लगा है लुलू के तरफ से, और ये पैसे मुझे कैसे मिलेंगे, ये प्रोसेस इस बंदे ने मुझे बताया। पहले अब ये ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ, हड़ाफे जद्दा से बात कर रहा हूँ, लुलू हैबर बंदा से। मेरे भाई आपका ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे SAR 2 लाख रियाल का लॉटरी निकला है सर, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाई ये लुलू हैबर बंदा से आपने लॉटरी विन कर लिया है आपके इसी व्हाट्सएप नंबर ने। अगर मेरे भाई लॉटरी आपका कैसे निकला है इसकी डिटेल्स और जानकारी आपको बता रहा हूँ। ना आपने कोई टिकट खरीदा है, ना आपने लॉटरी खेला है, आपका ये लॉटरी निकला है इंटरनेशनल। ये एक लकी ड्रॉ करवाया था 5 कंट्रीज ने, जिसमें से सऊदी अरब, दुबई अमीरात, बहरीन, कुवैत, भूटान, आपका नंबर चुना गया है 5000 नंबर की तरफ से, जिसमें से नंबर लगा लें STC कंपनी, मोबाइली कंपनी, शिरका जैन, फ्रेंडी, लिब्रा, आपका भी नंबर शामिल था, जिसपे कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 2 लाख रियाल विन कर लिया। अगर आपको अब लॉटरी कैश करवाना है तो इसका हम आपको तरीकाकार और डिटेल्स और जानकारी अपडेट करवा रहे हैं। इसके लिए अभी मैंने लॉटरी टिकट भेजा है आपकी व्हाट्सएप नंबर पे। इस पे अभी रीनो अली साहब है जो रियाज बता से बात करेंगे, लुलू हैबर बंदा से। अभी इनके साथ आप कॉन्टेक्ट करेंगे ईमो पे, इनकी ईमो पे कॉल करेंगे। इनका ईमो नंबर है 0559372165। ध्यान रखना है कि लॉटरी के बारे में पब्लिक सिटी शोबाजी नहीं करना, अगर आपका नंबर डुप्लीकेट होता है कंपनी इस चीज की जिम्मेदार नहीं होगी। अभी तुरंत इनकी ईमो पे कॉल करें, कॉल करके कहें कि सर मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया लुलू हैबर बंदा की तरफ से, जिस पे लिखा हुआ है कि मैंने 2 लाख रियाल विन कर लिया। ध्यान रखना है कि जो लॉटरी टिकट भेजा उस पे लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, आपने इनको कॉल करके ईमो पे वीडियो कॉल करें, लाइव कॉल करें, इनको लॉटरी नंबर बताना है, लॉटरी नंबर बता के आपने लॉटरी अमाउंट आज की डेट में डायरेक्टली बैंक से कैश करवाना है। कैसे कैश होगा ये आपको रीनो अली बताएंगे। तो देखिए ये मैसेज किया बंदे ने। अब देखो लालची लोग जिसको नहीं मालूम है वो लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब देखो मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। पहला, ये बंदे ने जिसने ऑडियो भेजा है ये कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो नंबर के जगह लंबर बोल रहा है। आपने नोटिस किया ऑडियो में लंबर लंबर बोल रहा है कि आपके लंबर पे लगा है। और ये जो स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने तैयार किया है ये तो ऐसा है कि जैसे कस्टमर केयर वाले लोग बोलते हैं, तो कई लोग ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। सेकेंड चीज़, कितना शातिर ये बंदा, बोल रहा है कि किसी को बताना नहीं है लॉटरी का नंबर। ये देखो ये फॉर्मेट में उन्होंने भेजा है लुलू का बना करके, और आईमो नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करना है। मैंने ये नंबर को सेव करके कॉल भी किया आईमो में, तो देखिए यही बंदा है जिसका वॉइस है ना, वही बंदा है। मैं आपको आईमो का भी सुनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये फ्रॉड है, ये सब इंडिया में बहुत चलता है। सर मैंने कहा है अपना फोटो सेंड करो, अपना फोटो सेंड करो मेरे भाई। ये फोटो मांग रहा, नाम मांग रहा, मैं तो ये सब कुछ भेजा नहीं, अनजान बन के इसको और तंग कर रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक ही मकसद है, सावधान रहिएगा इसे लोगों से। बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए हैं जो ठगने के लिए, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो भाई आप भी सावधान रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में तमाम लोगों को भी अवेयर कर दीजिएगा, नहीं तो बेकार में कोई बंदा ठगी का शिकार हो गया तो रोता रहेगा। पहले तो मैं सोचता था कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता होगा, इंडिया में KBC वाले एक फॉर्मेट बना के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब देखो सऊदी अरब में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, डर ही नहीं है इनको यहाँ का कानून का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सऊदी अरब से जुड़ी आज कुछ ज़रूरी अपडेट है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद कुवैत से जुड़ा भी कुछ अपडेट है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए सऊदी अरबिया से जुड़ी पहली अपडेट ये है, सऊदी हुकूमत का प्लान है कि सऊदी अरब जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, एक ग्रीन सऊदी अरब रहेगा, मतलब यहाँ पे हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे। तो सऊदी हुकूमत का प्लान है 1000 करोड़ पेड़ लगाने का, आज ही क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है 10 बिलियन ट्रीज सऊदी में लगाने का प्लान है। दूसरी अपडेट है मक्का पुलिस के तरफ से, मक्का पुलिस ने एक पाकिस्तानी औरत को गिरफ्तार किया आज। पुलिस का ये कहना है कि बर्मा की एक लड़की गुम हो गई थी
और उस बच्ची का गुम होने में ये पाकिस्तानी औरत का हाथ है। बहरहाल इसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया है, आगे का कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं कुवैत से जुड़ा जो अपडेट है उसकी। देखिए, सऊदी अरब में प्रोफेशन टेस्ट कानून लागू हो गया, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर कानून लागू हो गया और सऊदी जेशन भी लागू हो गया। जब सऊदी जेशन लागू हो रहा था तब लोग कह रहे थे कि सऊदी छोड़ के हम लोग दूसरा कोई कंट्री में चले जाएंगे। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितने भी अरब देश हैं सबका सेम विज़न है, सेम प्लान है। कोई अभी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और कोई बाद में करेंगे। तो कुवैत में अभी बहुत तेज़ी से कानून में तब्दीली की जा रही है, कुवैतीजेशन किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को जॉब दी जा रही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अभी देखिए, कुवैत हुकूमत ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जो लोग कुवैत आएंगे वर्क वीज़ा पे, उन्होंने 20 प्रोफेशन कहा है, उनको अभी उन्होंने एक्सपोज नहीं किया कि कौन कौन सा प्रोफेशन का टेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह से सऊदी अरब ने प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट लागू किया, सेम उसी तरह से कुवैत गवर्नमेंट ने भी टेस्ट लागू कर दिया है। कुवैत नया वीज़ा पे जाएगा कोई बंदा, कुवैत एम्बेसी जो भी कंट्री में उनका सिलेक्शन होगा वहाँ पे एम्बेसी के थ्रू टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह का टेस्ट उनको पास करना पड़ेगा, तभी वो कुवैत में जा सकते हैं वर्क वीज़ा में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा कुवैत हुकूमत ने ये भी कहा है कि कुवैत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं टेक्निकल सेक्टर्स में, टेक्नीशियन का, इंजीनियर का जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे 71 प्रोफेशंस का टेस्ट होगा। सेम सऊदी अरब में जिस तरह से बोला गया है कि लगभग 1200 प्रोफेशन सऊदी हुकूमत ने अनाउंस किया है, 1200 प्रोफेशन का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, तो सेम इसी तरह का टेस्ट कुवैत में भी होने वाला है। 71 प्रोफेशन उन्होंने अभी बताया है, हो सकता है ये भी बाद में बढ़े। इसके बाद एक अपडेट है कुवैत का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। देखिए, कुवैत में अभी बहुत भयानक चेकिंग है। सलमी एक जगह का नाम है, फ्राइडे को वहाँ पे 127 गैर मुल्की को गिरफ्तार किया जो कुवैत का लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे थे। दो दिन पहले खैतान में भी उन्होंने 39 लोगों को अरेस्ट किया था जो रेसिडेंशी लॉ का वायलेशन कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि कुवैत में अभी चेकिंग इतना ज़्यादा है, जो लोग इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर वहाँ का लेबर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, वैसे लोगों को चुन चुन के पकड़ रही है वहाँ की पुलिस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।